जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बात अब एक प्रूवन फैक्ट है, सारी दुनिया इससे आगाह हो चुकी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। हमारे अगर रिलेशनशिप में हुकूमतों के एतबार से या जो बालाई सतह के ताल्लुकात हैं उस एतबार से अगर कोई तलखी भी है तो तब भी हमारा जो गहरा ताल्लुक है वो ख़त्म नहीं हुआ और अब तो ये बहुत ही हाई डिग्री पर क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। तो बहुत से मामलात पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के हत्ता के हमारे नफसियाती और बिहेवियर जो मसाइल हैं वो अफगानिस्तान से जुड़कर रह गए हैं और अफगानिस्तान का भी इसी तरह है। अगरचे के उसमें एक्टिव तो फरीक वही है, जनरेट सब कुछ वहां से हो रहा है, लेकिन उन्हें भी पाकिस्तान की तरफ बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी है कि ये जो कुछ हुआ और जो नतीजा हमारे सामने आया है वो जो तजियों का बॉटम लाइन है जो दुनिया में हो रहे थे और वो रैशनलाइज भी हुए, उनके वो गलत नहीं थे तजिये, वो यही है कि यहाँ पर एक खाना जंगी का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा था और ये समझा जा रहा था कि अब जो सूरत हाल बनी है, तालिबान जितना भी कंट्रोल संभालेंगे संभाल लें, काबुल के सबर उसमें वो काफ़ी अरसे से मौजूद थे, उनकी मौजूदगी जो थी मौजूद थी और यहाँ से खाना जंगी शुरू होगी। लेकिन ये सारे तजिये, सारी कोल्ड इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशंस जो हैं ये डिफ्यूज होकर रह गए। तजिये गलत नहीं थे, सिचुएशनल फैक्टर इतनी तेजी से तब्दील हुआ है कि तजियों ने गलत होना ही था जो हुए थे, क्योंकि तो वाकयात ऐसे हुए, कैलकुलेशंस इतनी गलत थी कि उसके नतीजे में सब कुछ इम्कानात जिनका इजहार किया जा रहा था और उसके मुताबिक पोजीशन ले ली थी। मसलन आप देखें, हम पाकिस्तान की चूंकि पहले बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया, मैं समझता हूँ एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी को इख्तियार किया फॉरेन अफेयर्स के हवाले से कि हमने ये बहुत ऑब्वियसली स्मेल करते हुए कि यहाँ पर अब एक खाना जंगी समा होगी या खाना जंगी अगर ना भी तवालत ना भी पकड़ा तो ये जो कुछ होगा, हुकूमत जो टॉपल होगी उसमें काफी कुछ होगा और तशद्दुद का अंसर जो है वो सामने आएगा और गालिब होगा कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन इसके बगैर ये ऐसा होगा नहीं। तो हमने पोजीशन ले ली थी, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिपीटेडली इस बात को कहा, फिर हमारी ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में भी आई, हमने इसको ऑफिशियली जो है बड़े फॉर्मल वे में भी दुनिया को कम्युनिकेट किया कि तशद्दुद के नतीजे में काबुल में जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करेगा। आप ये देखें कि ये जो पिछली गवर्नमेंट थी तालिबान की उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, वो भी तशद्दुद के नतीजे में आई थी, वो उन्होंने एक ऑपरेशन किया था, लड़ाई भड़ाई हुई थी, उसके बाद ही वो वहां पहुंचे थे, लेकिन जब वो आए तो हमने उसको तस्लीम कर लिया। इस दफा हमने पहले से ये ऐलान कर दिया कि अगर तशद्दुद के नतीजे में कोई हुकूमत आई तो फिर हम ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। और पाकिस्तान का ये तीर जो है ये बड़ा सही लगा, कुदरत ने भी पाकिस्तान की मदद की, हालात ने मदद की और एक अनहोनी सी जो है वो होनी हो गई कि वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, हुकूमत मौजूद रही और जो है तकरीबन पैरालाइज हो गई,
आज यहां तक हो रहा है, ये शुभार जाहिर किए जा रहे हैं और ये तज्जिए हो रहे हैं, इसके तज्जिए अब शुरू हो चुके हैं कि ये जो एक जमूद था अफगान आर्मी का कि उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं की। देखें ये जो बात थी ना, इसकी तस्दीक हुई बिल्कुल लास्ट डेज में कि यहाँ खाना जंगी होगी, क्योंकि इंडिया ने जो अपना विड्रॉल किया है अपने बड़े सेंसिटिव सेक्शन का, जो अफगानिस्तान में उसकी जो टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो मुख्तलिफ सेक्शंस में और फैक्शंस में डिवाइड हुई हुई थी, उसमें टेक्निकल स्टाफ भी था, उसमें जो सिफारत खानों के ये जो कौंसुलेट्स के नाम पर जो सिफारतकारी वहाँ पर की जा रही थी, सिफारतकारी वो बहुत बड़ा स्टाफ था, हज़ारों की तादाद में थे। ये एक बड़ा दिलचस्प वो हुआ है कि इतनी बड़ी जो डिप्लोमेट फैकल्टी दुनिया में कभी नहीं देखी गई, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक स्टाफ की बॉडी दुनिया में कहीं नजर नहीं आई है जो हमने अफगानिस्तान में देखी, कि हजारों अमरीकी वहां मौजूद हैं डिप्लोमेट्स के नाम पर, हजारों बरतानवी मौजूद हैं जो काबुल में होते थे, और वो कोई उनको टेक्निकल असिस्टेंट देने आता था, कोई उनके मुख्तलिफ उसके नाम पर, लेकिन उनको डिप्लोमेटिक स्टेटस में रखा हुआ था। तो ये एक बड़ा अजीब ड्रामा और तमाशा वहां हो रहा था। उनको जब लेने आए हैं इंडियंस, उनके तीन तैयारे आए और वो सारे लोडेड थे, और जिस जो असला वो लेकर आए, जो असला उन्होंने अनलोड किया यहाँ के, वो टिपिकल वो आर्मामेंट था जो सिविल वार्स में इस्तेमाल होता है, वही बंदूकें, वही गोला बारूद, वही छोटे बम जो सिविल वार में के इधर बम फाड़ा उधर से अटैच किया था, वो इस किस्म का असला है जो उसकी इतलात आई है उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि एक पॉलिसी मैटर भी था कि अमन की ज्यादा बात की जाए, हम खुद सिविल वार की बात ना करें, तो यहाँ पर शायद उसको मैनेज भी किया गया मेरा ख्याल है, लेकिन ये खबरें रुकी तो नहीं, ये तो आती रही है। फिर ये था कि 6,000 अमरीकी फौज आएंगे, पहले 3,000 की खबर आई, फिर 6,000 की आई, फिर बरतानिया की आई कि वो भी आ रहे हैं, तो इन सारी खबरों से ये तज्जिया हो रहा था कि यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ होगा, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। फिर जो थिंक टैंक्स की जो प्रिडिक्शंस थी वो 6 महीने से शुरू हुई कि 6 महीने तो जरूर रुकेगी अशरफ गवर्नमेंट, फिर 3 महीने की बात हुई, 2 महीने, तो इस माहौल में जो है वो तालिबान जो है, लेकिन तालिबान की जो स्ट्रेटेजी थी उस पर बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं जो संजीदा हलकों में, ख़ास तौर पर जो थिंक टैंक्स हैं, कि ये क्या स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने 2600 मील का दायरा है पाक अफगान सरहद का, उसके चारों जानिब जो ऑपरेशन हो रहे थे उनकी स्ट्रेटेजी ये रही कि सबसे पहले जो पोर्ट ऑफ एंट्रीज हैं, वो जितने भी ईरान से हैं, जितने भी ताजिकिस्तान से हैं, जितने उज़्बेकिस्तान से हैं, अगर कोई तुर्कमानिस्तान में था और पाकिस्तान से हैं, उन सब पर कंट्रोल तालिबान करें यहाँ। फिर वो डिस्ट्रिक्ट जो रोड नेटवर्क है और हाईवेज हैं उनकी तरफ आए, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी ली ही नहीं कि वो जो प्रोविंशियल कैपिटल्स थे जहाँ पर वार लॉर्ड्स जो थे वो बेस थे, मेरा ख्याल है कि अगर वो उस तरफ जाते तो जरूर खाना जंगी का कुछ ना कुछ सामान पैदा हो जाता, क्योंकि हर वार लॉर्ड जो था वो अपने तौर पर काबुल का मुंतजर था कि वहां से कमांड का हुक्म आए तो हम जंग शुरू करें। देखें ये जो साइलेंस हुआ है इसमें ये बात आ गई है, ये बात अब रिवील हो चुकी है कि जो काबुल के कुछ अफगान कमांडर्स हैं और जो कुछ प्रोविंसेस में, उन्होंने कहा जी हमें कमान ही नहीं आई, हमें हुक्म ही नहीं आया कि हमने कुछ करना है, उन्होंने ये कहा कि नहीं हम अमन चाहते हैं और कमांड का यही हुक्म है। अब ये चीज जो है इसका तज्जिया होना है कि ये क्या कमांड जो है अफगान आर्मी के कमांडर की थी, या जो वहां पर सेंट्रल कमांड जो बेस थी अमेरिका की उनके कमांडर का हुक्म था। इसमें तज्जिया तो यही हो रहा है कि खुद अफगान कमांडर्स जो हैं वो भी इंतजार कर रहे थे कि हमें हुक्म आए। अब ये एक बड़ी क्यूरियोसिटी है इस सिलसिले में, ये बात वाजे अभी नहीं हो रही कि ये जो साइलेंस हुआ और एक बिल्कुल मफलूज हो गई आर्मी दिनों के अंदर, उसने कोई एक्ट ही नहीं किया। अब बाइडन साहब की जो स्पीच हुई है कल की, वो इसकी इनडायरेक्ट वे में तस्दीक करती है
कि अब जरूरत नहीं थी वहां मजीद जंग करने की, रेजिस्टेंस करने की। और ये जो इमेज का सवाल पैदा हो रहा है, डिफीट का सवाल पैदा हो रहा है, तो उससे तो लगा कि उन्होंने उसको सानवी हैसियत दी। उनके पेश नजर यह था कि हमारा जो सेफ जो एग्जिट है वो मेक श्योर किया जाए, वो उन्होंने कर लिया। अगरचे कि उसमें पाकिस्तान की खिदमात को वो बिल्कुल तस्लीम करते रहे हैं, और इसका काफी अंदाजा अमेरिकन को हो चुका था कि एयरपोर्ट्स और काबुल का जो पावर कॉरिडोर हैं, वहां का जो रूलिंग जोन है, वहां पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा था, ना वो हदफ था, और तालिबान की जो श्योरिटी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। और इस लिहाज से जो सेव एग्जिट की बात है वो कोई इशू बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरह वहां बौखलाहट हुई है, वो फिर जब कुछ नहीं हुआ, और आप देखें ना कि रशीद दोस्तम तक जो थे वो भी वहां पहुंच गए थे, वो भी काबुल आ गए थे। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अब मुझे काबुल में बैठकर लड़ना है, क्योंकि हमने इस हुकूमत को बचाना है। वो ये समझते हैं, अगरचे कि उनका वहां पर खासा होल्ड भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, वहां उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बड़े आर्म्ड हैं और बड़े ट्रेंड हैं। शुमाली इतिहाद में एक अपना जो मिलिट्री बेस उनका अपना मौजूद है, जिसमें पंजशीर वाली और मजार शरीफ इन्फ्लुएंस्ड बाई बैक्ड बाई रशीद दोस्तम था, वो भी वहां छोड़ के काबुल आ गए कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि बहुत से जो कमांडर्स थे उन्होंने जब सरेंडर शुरू किया, जब वो विड्रॉल होते गए, जब वाहान वैली जो है वो वहां पर सरेंडर हुआ है, वो बड़ा सिविल लेवल पर हुआ है। वो ये नहीं कि कमांडर टू कमांडर नहीं हुआ, वहां पर दो अफगान कमांडर और दो वहां के उनके अपने जो तंजीम के लोग हैं वो गए और उन्होंने जाकर सरेंडर किया, हालांकि वो सबसे सेंसिटिव एरिया था। उससे कान खड़े हुए मजार शरीफ वालों रशीद दोस्तम के। जब बदख्शान निकल गया तो रशीद दोस्तम का जो एतमाद था वो खत्म हो गया और वो काबुल पहुंच गया। उसने कहा कि ये तो कोई नई गेम शुरू हो गई, अब मुझे काबुल जाना चाहिए, अगर मैंने लड़ना भी है तो वहां बैठ के लड़ू, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा बेस है, वहां पर आर्मी है, वहां कमांडर है। लेकिन ये न जाने क्या हुआ, ये भी बहुत वाजे नहीं है। जो है वो तो बहुत वाजे है, लेकिन इसकी वजूहात वाजे नहीं है, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आनी शुरू होंगी। तो सूरत हाल तो अब ये है, अब आप देखें कि जितने वो पुरमन तरीके से गए हैं। दूसरा बड़ा खदशा ये था जो सिविल वार से हटकर, कि अगर तालिबान को जो है एज मिलता है, जिस तरह की उनको पेशकदमी में मिल रहा था, अगर उनको प्रोविंशियल कैपिटल्स डायरेक्टली कंट्रोल करने के बाद, थोड़ी सी मजाहमत के बाद मिलते, तो इस बात का शदीद खतरा था, महसूस किया जा रहा था। वक्त ने बताया कि ये गलत, वो ये था कि तालिबान कहीं मुंतखिम होंगे और वो इंतकामी रवैये में ना चले जाए, कोई रॉन्ग डायरेक्शन ना आ जाए, कोई नौजवान जो है वो कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, वो कमांड से निकल ना जाए उनके, और इस तरह जो है मुख्तलिफ पॉकेट्स में जो है वो झगड़े शुरू हो जाएं और उससे कहीं खाना जंगी ना फूट आए। इस बात का भी शदीद खतरा था, लेकिन ऐसा लगा है कि तालिबान का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बहुत वेल मैनेज्ड, कंट्रोल्ड, और उसमें बहुत कुछ पहले फीड कर दिया था, क्योंकि तालिबान का एक कलेक्टिव रवैया जो बैटल फील्ड में स्ट्रेटेजिकल डिजाइन का हिस्सा लगता है, वो ये था कि वो बिल्कुल प्रोविंशियल कैपिटल्स के करीब आकर रुक गए, और जब उनका कंट्रोल हुआ है वहां से उनकी दूसरी कम्युनिकेशन शुरू हो गई। वो उन्होंने इंटरेक्ट किया है, वहां के कमांडर से भी इंटरेक्ट किया है, उन्होंने वहां पार लॉर्ड से उनसे भी इंटरेक्ट किया है, और उस इंटरेक्शन के नतीजे में ये नया फिनोमेना साथ आया कि ये तो और कोई नेगोशिएशन भी चल रही है साथ। उसी से तो ये शकूक पैदा हो रहे हैं कि ये तो पहले से कोई चीज डिजाइन थी, वल्ला आलम कि ये उधर भी ऐसी इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि उन्होंने इन पर हमले नहीं किए इनको रोकने के लिए, और ना इन्होंने लश्कर कशी की एकदम जाके, बल्कि कम्युनिकेशन का वेपन जो है वो भी इस्तेमाल हुआ। वो ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकता, जब उधर कोई राबते का चैनल होगा, इधर कोई राबते का चैनल था,
तो ये टू वे कम्युनिकेशन हुई है, जिस तरह के मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर वाखान का बताया, काबुल के गिर्दो नवाबे में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ। आप देखें कि इसका जो क्लाइमैक्स है इस टू वे कम्युनिकेशन का बिटवीन द टू अपोजिट साइड, यानी गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड फॉलोअर्स एंड तालिबान, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है उसका क्लाइमैक्स यह है कि आज मैं अभी सोच रहा था, बल्कि मैंने किसी से मेरी चैटिंग हो रही थी तो मैंने उसमें बात कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने ख़त्म की तो मैंने टीवी पर आज देखा कि जो तालिबान और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और करजई साहब की मुलाकात हो गई है उनसे, तो अगर वो पुरानी तस्वीर मैंने नहीं देखी तो वो उनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन ये खबर मुझे पहले से मालूम थी। आप ये जहन में रखिएगा, ये पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ कि जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तालिबान का जो प्रोसेस है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो वहाँ उनकी सिर्फ प्रेजेंस है और प्रेजेंस के नतीजे में एक तर्जुमानी एक दो लोग कर रहे हैं, दो चार उन्होंने कुछ सिटी मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसमें वो आए हैं, इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि उनकी कोई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई है। असल ऑफिशियल तर्जुमान है उनके मिलिट्री ऑपरेशन के, उनका जो अपेयरेंस आई है वेरी फर्स्ट टाइम्स बिफोर इंटरनेशनल मीडिया, जो उनके सामने वो काबुल में जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है और वो बड़ी ओपन बड़ी पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, तो उससे ये यकीन बढ़ गया है कि इंटरनेशनली अब ये यकीन कर लिया गया है कि तालिबान कोई ना कोई सेटअप यहाँ बनाने वाले हैं। अब सारा जोर चला गया है ब्रॉड बेस पर कि ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बने, ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बने। पाकिस्तान का भी यही स्टैंड है कि वहाँ के जो डिफरेंट फैक्शन और सेक्शन है, पाकिस्तान इस बारे में बहुत इंफॉर्मेशन रिच भी है और पाकिस्तान अपने एक्सपीरियंसेस के एतबार से भी बहुत बड़ा तजर्बा रखता है कि तालिबान के जो सोशो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हैं, इनके जो मिलिट्री बिहेवियर हैं, इनकी जो एथनिक्स जो डाइवर्सिटी है, वो बहुत ही सेंसिटिव मौजूआत हैं और पाकिस्तान के जो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं इस हवाले से नेगोशिएशन के एतबार से वो इसका तवील तजर्बा रखते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो पिछला प्रोसेस था विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, उसके दौरान जो आखिरी उनका दौर था जब इख्तिताम पजीर थी सोवियत गवर्नमेंट और जो नेगोशिएशन हो रही थी, तो जितना हमने उसको पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा शायद, तो उसके पेश नज़र पाकिस्तान ने ये पोजीशन भी ले लेनी थी कि ये जी ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। हम पर ये इल्ज़ाम वैसे भी लगता है कि ये पाकिस्तान जो तालिबान को लेकर चल रहा है उन्होंने बनाए हुए हैं। अशरफ गनी ने तो डायरेक्ट आपने देख लिया सबने के जो उज़्बेकिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान की मौजूदगी में 3 गज 4-5 गज के फासले पर वो रोस्टम पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया और इमरान साहब जो नीचे बैठे हुए हैं उनके साथ, तो कि जी ये 10,000 आदमी उन्होंने दाखिल कर दिए और वो तालिबान को वो सारा उनकी हैंडलिंग जो है वो कर रहे हैं। तो उस पर जो भी रिस्पांस आया वो तो हमें पता ही है वज़ीर आज़म का कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और मतलब ये सारा आपने देख लिएगा, खबरें आ चुकी हैं। तो ये वो सारे हालात थे जो पाकिस्तान इसमें मिनट टू मिनट मैं समझता हूँ इसको वॉच कर रहा था, और अपनी तो हमने ये पोजिशन भी ले ली जब तालिबान एंटर हुए हैं कि ये ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब पाकिस्तान का ये स्टैंड है कि ये ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अच्छा, उसके लिए बहुत हौसला अफजा बात यह है कि अगर अब्दुल्ला अब्दुल्ला एंगेज हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपको बताऊं कि अब्दुल्ला जो हैं वो सुप्रीम काउंसिल ऑफ अशरफ गनी गवर्नमेंट काउंसिल फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, मिलिट्री तो खैर नहीं शायद, जो भी स्ट्रेटजी वहाँ पर उनका जो पॉलिटिकल अफेयर्स उसके वो चेयरमैन थे और उनकी हैसियत तकरीबन वहाँ पर नायब की थी, नायब सदर अलहदा था लेकिन असल में जो एम्पावर्ड थे वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब थे, क्योंकि वो दूसरा बड़ा पोलिटिकल फैक्शन है पश्तूनों के बाद जिसको रिप्रजेंट जो है वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला करती। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है आपको जहन मशीन रहना चाहिए, वो कज़न भी हैं इसके पंजशेर वैली में जो थे अहमद शाह मसूद, कमांडर अहमद शाह मसूद जो है वो बहुत बड़ा नाम है वेस्ट में और यूनाइटेड स्टेट्स में, ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन लव्ड
यूनियन लव हिम, राइट। वो करते थे और आज भी जब वो दुनिया में नहीं है अब भी उनका जो है बहुत अकीदत की हद तक जो है यूनियन के ममालिक जो है वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला के का जो फैक्शन है उसको सपोर्ट करते हैं। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला का मिल जाने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान आपके साथ जो है वो मेन स्ट्रीम में वहां की लीडरशिप होने के लिए तैयार हो गई। आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। इस अमर का शदीद खदशा था, अब दोनों बड़ी चीजें हो गई। शुमाली अफगानिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो तो हो गई मफरूर, जो रशीद दोस्तम साहब थे उनके महल की तो तस्वीर आप देख चुके हैं, जो बड़ा लग्जूरियस उनका जो पैलेस है वो आपने देख लिया, वहाँ तलावत हो रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या उसका माहौल है। मेरा नहीं ख्याल के जावेद नवाज साहब शायद तस्दीक कर दें कि अरब शेखों के भी शायद ऐसे में महलात होंगे जो हमने रशीद दोस्तम का महल देखा है, वो भी गायब हो गए और उनकी वर्दी वहां मिली है। ये पता नहीं सिंबॉलिक है कि वो क्यों छोड़कर गए हैं, और वो एक बड़ा दिलचस्प ड्रामा है, और बेशुमार पैसा मिला है इससे ये भी पता लग रहा है कि वो बड़ी अफरा तफरी में निकले हैं। दूसरी तरफ अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है अंगेज हो गए काबुल, और वो काबुल में मौजूद हैं, और इस वक्त एक नया ड्रामा जो हुआ है जो आज की डेवलपमेंट है या कल की है शायद, जिनके बारे में इंडियन मैगजीन में ये छप चुका है कि वो रा लिंक्ड है। आप हमदुल्ला की बात कर रहे हैं? जी 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 हमदुल्ला, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जी जी। आप देखें कि वो पंजशेर वैली पहुंच गए, उनके बारे में खबरें आ रही थी कि वो ताजिकिस्तान चले गए हैं, और एक अंदाजा लगाया जा रहा है, ये भी खबरें आई हैं कि ताजिकिस्तान ने जो वहां से फ्लश आउट होकर निकले हैं उन्होंने उनको वापस भेजाएगा, क्योंकि उनके पास कोई वीजा नहीं मिल रहा, कहीं वो जा नहीं सकते, कोई फ्लाइट उन्हें नहीं मिल रही, कोई फ्लाइट उन्हें कबूल नहीं कर रही, तो वो वापस आ गए हैं। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये खबर सही थी कि वो ताजिकिस्तान चले गए हैं, लेकिन अब वो वापस पंजशेर वैली में मौजूद हैं, वो वहां पहुंच गए हैं ये, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उनका जो एटीट्यूड आया उसमें यह है कि वो अब प्रेजिडेंट हैं अफगानिस्तान के। उन्होंने कहा जी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब मैं, क्योंकि वहां के हकीकत उनको गलत दावा नहीं किया, उसके दावे में को इस तरह सपोर्ट मिलती है कि अगर अफगान सदर जो है बाहर हो जाए, मुल्क में मौजूद ना हो, उसकी ऐसी कोई सूरत बन जाए कि वो अपने काम दे सके या मुल्क से भाग जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा हुआ कि अगर वो फरार हो जाए तो उस सूरत में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इख्तियार संभाल लेगा। वो ये कहता है जी कि मैं वहां के हालात नहीं रहे कि मैं काबुल में रह सकता, तो मैं यहाँ आ गया हूँ और अब मैं अफगानिस्तान का सदर हूँ। तो ये चीज जो है ये एक पॉकेट मिल गई है, ये आपके जहन में रहना चाहिए, ये आप खबरें सुन चुके होंगे कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में और कमांड में और जो भी कुछ पहले वो आ चुका है सिवाय एक इलाके, और वो है पंजशेर वैली जो नूरिस्तान का करीबी इलाका है शुमाली अफगानिस्तान में, जो कि अहमद शाह मसूद का इलाका है, जो कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला के इन्फ्लुएंस का इलाका है, उसकी जो एक पॉकेट है पंजशेर वैली, उसमें एक प्रो इंडिया इंडियन बैक पॉलिटिशियन ऑफिशियल ऑफ एक्स गवर्नमेंट टॉपल गवर्नमेंट, टॉपल तो नहीं कहना चाहिए, जो खत्म होने वाली जो एलिमिनेटेड गवर्नमेंट है वो वहां जाके बेस्ड हो गए हैं। अब इसको वेस्ट की कितनी सपोर्ट मिलती है, इंडिया की तो मिलेगी, इंडिया की तो डेफिनेटली मिलेगी, एक वहां पर बुनियाद रख दी गई है आज कि तालिबान से हटकर भी एक आवाज जो है वो अफगानिस्तान से उठेगी कि जी असली सदर जो है वो मैं हूं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और आइनी तरीके से हुकूमत तो ख़त्म नहीं हुई, ना कोई इलेक्शन हुआ है, तो ये तो एक पेशकदमी और एक लश्कर कशी से, पता नहीं वो इसको क्या नाम देंगे, हुकूमत ख़त्म हुई है या उसके फरार से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फरार का लफ्ज़ भी है, तो अगर प्रेसिडेंट फरार हो गया है तो मैं तो मौजूद हूँ और मैंने अपनी बेस बदल ली है, तो ये अब नैरेटिव मेरा ख्याल है कि चलेगा,
और उसकी क्या पोजीशन है। साले, हाँ जी वो है साले, अमर अब्दुल्ला साले, ये नाम है उसका, वो लास्ट नेम में भूल रहा था, वाइस प्रेसिडेंट। तो साले साहब जो है उनका ये इससे एक नई सिचुएशन जो आज पैदा हो गई कि उसका जो ये नैरेटिव है ये कितना मल्टीप्लाई होता है इंडिया की तरफ से, ये मेरी अभी तक को मैंने देखा नहीं लेकिन मेरा अपना अंदाजा है और बड़ा वाजे मेरा ख्याल है सभी समझेंगे कि इंडिया इसको बैक करेगा। मैंने अभी इंडियन मीडिया भी नहीं देखा कि उसका इस पर रिस्पॉन्स क्या है, लेकिन अंदाजा यही है कि वो कहेंगे कि जी असली सबक जो है वो ये है। उसको यूरोपियन यूनियन का जो मैंने रिलेशनशिप जो है शुमाली इतिहाद शुमाली अफगानिस्तान से बताई आपको, क्या यूरोपियन यूनियन उसको लेके चलती है या इस चीज को अहमियत देती है कि वो जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला का जो इंटरेक्शन तालिबान से हुआ है वो उसको ज्यादा अहमियत देती है। दोनों बातें हो सकती हैं। ज्यादा अंदाजा यह है कि तालिबान के साथ जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला का इंटरेक्शन हुआ है और करजई का, अमेरिकन और यूनियन दोनों ये वो किसी तरह मेच्योर हो जाए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए वक्ती तौर पर यह बात आइडियल है, क्यों अब जो तस्लीम करने का जो प्रोसेस शुरू होगा जो कि होने को है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह पिछली दफा तालिबान हुकूमत बरसर इख्तदार आ गई थी तो सिर्फ तीन मुल्कों ने तस्लीम किया था, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान। लेकिन ये जो तस्लीम था इसका कभी तस्लीम नहीं हुआ कि ये तीन मुल्कों ने कैसे तस्लीम किया। इन तीनों के तस्लीम करने का मतलब जो था वो रजामंदी की कैफियत थी यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहां पर शुमाली इतिहाद की कोई हुकूमत आए। उस वक्त जो ईरानी फैक्शन था वो बहुत ज्यादा एक्टिव था अफगानिस्तान में और वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो और तरीके से उसको असेस किया जा रहा था, उसकी कैलकुलेशन मुख्तलिफ थी कि जी रशिया दोबारा जो है वो टूटने का खतरा था अफगानिस्तान के कि अगर वहां पर ऐसी हुकूमत आ गई। उस्ताद रब्बानी का जो कत्ल है वो पहले हो चुका था, जो क्या नाम है अहमद शाह मसूद जो है वो बम धमाके में शहीद हो चुके थे। तो ये जो सारे बैकग्राउंड था तो उसमें इस बात का खदशा था कि अगर तालिबान से हटकर कोई हुकूमत आती है या पश्तूनों से हटकर कोई हुकूमत आती है और कहीं अफगानिस्तान जो है वो टूट ना जाए और इसका कोई अलहदा से फैक्शन ना बन जाए। वेस्ट ने कभी भी ये नहीं चाहा कि अफगानिस्तान टूट जाए क्योंकि शुमाली अफगानिस्तान के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल और अब तो मिलिटरली भी वो डिस्कस होते हैं रशीद दोस्तम तक, क्योंकि रशीद दोस्तम की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, जो मिलिट्री रेजिस्टेंस थी उसको भी काउंट किया जाता था। उसमें वो ये समझते थे कि ये सही नहीं है कि एक अफगानिस्तान उधर बन जाए और उसको रशियन जो है वो बैक करने लगें और कभी चाइनीज आ जाएं और एक इधर हो तो ये तो वो बात नहीं बनेगी, तो फिर हम सेंट्रल एशिया तक कैसे जाएंगे, वो एक हमारे लिए एक और नया पाकिस्तान बन जाएगा दरमियान में, जिस तरह रशिया जो है वो नहीं पहुंच सका वांस वाटर तक तो हम भी वहां तक नहीं एक्सेस कर सकेंगे, ज़मीनी एक्सेस जो थी वो नामुमकिन हो जाती अगर शुमाली अफगानिस्तान जो एक मुल्क बन जाता। तो अब जो ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला का पाकिस्तान के लिए भी, देखें मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला के पाकिस्तान से भी एक लेवल पर कम्युनिकेशन है और वो जो एक तलखी थी जो अहमद शाह मसूद तक रही, उनके कत्ल तक रही, उसके बाद तक रही, वो अब मौजूद नहीं है। वो ठीक है कि हमारा जो टिल्ट है पाकिस्तान का, देखें जो टिल्ट है वो ये ऐसी बात नहीं कि हम किसी खास मखसूस फैक्शन को वहां पर लेकर चलते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी, वो ये चीज देखती है कि वहां पर जो मैसेज जो मैस लेवल की फोर्स है वो कौन सी है, वो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ होती है पश्तूनों का और पार्शली जो शुमाली इलाके के भी लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो प्रो पाकिस्तान है ग्रॉस रूट लेवल पर और लीडरशिप भी है पाकिस्तान, ये नहीं है कि शुमाली क्या नाम अफगानिस्तान में पाकिस्तान जो है वो उससे बिल्कुल ही लिंक्ड नहीं है। तो इस लिहाज से हमारी तो ये ज़रूरत है हुकूमतें जो भी कुछ हों लेकिन जो वहाँ की बड़ी अवामी फोर्स होती है, पहले वो
गुलबदीन हिकमत यार थे जो मुजाहिदीन का फैक्शन बन गए थे, और जब वो मुजद्दद अली और ये सब अलहदा अलहदा हो गए तो उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो गुलबदीन हिकमत यार का था। तो लोग कहते थे जी पाकिस्तान ने उसको हाईजैक किया हुआ, हाईजैक नहीं होते वो, हाईजैक होने वाली वो नस्ल ही नहीं है। तो वो एक इत्तफाक ही है, या यूं समझे कि दोनों तरफ पश्तून कल्चर एक है, पश्तून रिश्तेदारियां हैं, एक डीप रिलेशनशिप है। वो वहां का जो अवामी सतह का जो अफगानिस्तान है उसमें जो पश्तून फैक्शन है वो पाकिस्तान ही की तरफ जाता है, जो महाजरीन की बड़ी तादाद है, जो शुमाली है वो पाकिस्तान में बहुत कम है, ना होने के बराबर है, टर्की में मौजूद है ज्यादातर। तो ये जो हेरात के हैं वो भी पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जो है वो सूट करती है, वो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आते हैं, ये हुकूमत जो है ये नजर ये आ रहा है कि ये तस्लीम होकर एस्टेब्लिश हो जाएगी, क्योंकि जो पिछला माहौल था जिसमें बरतानिया अमरीका और यूनियन, उनको एतराज कभी नहीं हुआ कि हमने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया था 96 में। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि बेनजीर जो थी वो हुकूमत में थी और उन्होंने वेलकम कहा था, खुशी का इजहार किया था जब तालिबान आए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका नाराज था या अमेरिका नहीं चाहता था, बरतानिया नहीं चाहता था, वो तस्लीम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट थे। उनकी जो बाद में रिजर्वेशन उन्होंने शो की वो उनके नतायज जो हमने देखे उनके आने के तालिबान के, तो उस लिहाज से उनकी जो रिजर्वेशन थी उनको तस्लीम करने की वो सही थी यूरोप की या अमरीका की, लेकिन जो तस्लीम कराने की जरूरत थी वो डाइजेस्टेबल थी उनके लिए। ये आप जहन में रखें और इसका तज्जिया होना चाहिए, इस चीज को बाहर निकालना चाहिए। ये इतने हमें मासूम नहीं रहना चाहिए कि हम इस चीज को छुपा कर रखें कि जी अमेरिका के बगैर आप कहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो था वो एक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट को काबुल में तस्लीम कर लेता और बरतानिया तस्लीम कर लेता। बरतानिया उनके साथ बहुत ज्यादा एंगेज रहा है तालिबान के, नसीरुल्ला बाबर ने दूसरा रोल फिर तालिबान को बनाने में भी अदा किया था। तो बात यह है कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पहले जब तालिबान आए हैं उनकी वो अपनी आइडियोलॉजिकल कल्चरल लाइफस्टाइल के एतबार से उनको तस्लीम नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जिसको तस्लीम कराना था उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उन तीन मुल्कों से करा दिया था, और वो तीनों उस वक्त काफी ज्यादा पाकिस्तान के असर में थे, अमरीका के असर में थे। यूएई को देख लें आप, सऊदी अरबी को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, हम तीन मुल्कों ने तस्लीम किया था, उनको कोई इतराज नहीं हुआ। और वो दूसरा नैरेटिव उन्होंने फौरन डेवलप कर लिया कि जी अब वो भी करना था, तो वो इधर से भी कहते हैं अपना चट भी अपनी और पट भी अपनी, तो वो दोनों तरफ से मुतमईन थे कि हम इनका जो ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है उसको भी दुनिया में कंडेम कर रहे हैं, उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, और जो हमारी जरूरत है कि वहां पर एक ऐसी हुकूमत बने जो हमारे मुखालिफ ना हो, अगर वो पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है तो एक कंट्रोल हद तक जो है वो हमारे मुखालिफ भी नहीं होगी। वो जो शुमाली इतिहाद की अगर हुकूमत बन जाएगी या वहां पर ईरान इन्फ्लुएंस्ड हुकूमत बन जाएगी तो उससे बेहतर है कि यही रहे। तो ये हमें जहन नशीन रखना चाहिए। आज जो सूरत है तस्लीम करने का जो प्रोसेस है, ये जो रिकग्निशन की बात अब शुरू हो गई है, देखें इस दफा तालिबान को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है, इसकी खबरें भी आ चुकी हैं, ये पहले तजिया हो भी रहा था, और आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कल इसका जो एक ऑफिशियल हमारा वर्जन है वो आ चुका है कि हम इसको, हाँ ये कल आ गया है, कल जो वजीर इत्तला साहब जो ब्रीफिंग्स दे रहे थे इस हवाले से उसमें ये बात आ गई है कि हम सब मिलकर दोस्त मुल्कों के साथ ये जो तस्लीम करने का मामला है हम सब मिलकर करेंगे। ये जो सब मिलकर करेंगे ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट है इस सारे इशू में कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, जो सेंट्रल एशिया की अफगान नेबरिंग स्टेट्स हैं जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये तीनों शामिल हैं, ये और शायद अब तुर्की और अजरबैजान भी शायद, क्योंकि अब तुर्किस जो है जो उनकी, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, वो बड़ी लंबी हो जाएगी बात फिर और साइड टॉपिक डोमिनेट ना कर जाए, लेकिन तुर्किश को जो एयरपोर्ट पे कंट्रोल नहीं मिला, जो दोस्तम साहब के कदम नहीं जम सके,
तो अब टर्किश खामोश हैं इस पर। तो इस बात का काफी इम्कान है कि आजरबाईजान और टर्की जो है, अगर वो साथ नहीं तो हो सकता है कुछ वक्फे के साथ वो तस्लीम कर लें, लेकिन अब ये एकदम बड़े बड़े वजनी मुल्क जो है वो इसको तस्लीम करेंगे और फिर उनके अपने फॉलोइंग। अगर रशिया तस्लीम कर ले, चाइना तस्लीम कर ले, पाकिस्तान तब्दील कर तस्लीम कर ले, श्रीलंका तस्लीम कर ले, बांग्लादेश, साउथ एशिया के कई मुल्क तस्लीम करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो ना करें, बहुत से मुल्क नहीं कर सकते। इसराइल को बहुत मुल्कों ने तस्लीम नहीं किया, पूरी अरब वर्ल्ड नहीं करती थी, इस्लामी दुनिया नहीं करती थी, पूरी इंडिया नहीं करता था, बहुत सारे अफ्रीका के मुल्क नहीं करते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कई मुल्क इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे, वो खड़ा तो रहा। तो ये गवर्नमेंट जो है ये एस्टेब्लिश होगी। अब इसकी वो बात नहीं है जो पिछली दफा तालिबान आए थे तो उन वो डगमगाते हुए या अपनी कंट्रोवर्शियल हैसियत के साथ जो है वो टामा टामा चल रहे थे। अब ऐसा मामला नहीं होगा। अब जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। एक तो उनकी जो इमेज बिल्डिंग है उनके आते ही हो गई है कि वो एक चेंज्ड बिहेवियर के साथ आएंगे। ये बिहेवियरल चेंज जो है ये बहुत बड़ी बात है, बिहेवियरल चेंज, और वो भी इतने रिजिडिटी में से निकली हुई। आप देखें ना जो उनका जो रवैया था, आप उनकी रिजिडिटी का आलम देखें कि उन्होंने अपनी जो मेहमान नवाजी की जो रवायत है उस पर पूरा अफगानिस्तान दे दिया और इतनी बड़ी किलिंग करा ली, लेकिन उसामा को उन्होंने हवाले नहीं किया। ये क्या था? ये बिहेवियर था बुनियादी तौर पर। अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाए तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाता है कि भाई इसको दे के जितना मुश्तैल बुश साहब हुए हुए थे, पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, दुनिया थी जो सदमे में थी या मुश्तैल थी, ये दो सूरत हाल तो बड़ी वाजह थी, या मुखालफत में थी सियासी के, भी ये बड़ा गलत हुआ तालिबान की ये फंडामेंटलिज्म की। इस दफा की सूरत हाल ये नहीं है। इस दफा की सूरत हाल ये है कि अफगान आर्मी कुछ नहीं, इंडिया दहशतगर्दी कराता है, पूरा साउथ एशिया जो है इस पे कन्विंस्ड है, तमाम डिप्लोमेट्स जो बेस्ड इन काबुल दे नो इट, पॉलिसी क्या है, कैलकुलेशंस क्या है, उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो ये जानते हैं कि चार कौंसुलेट जो कायम हुई थी बियॉन्ड इंडियन एम्बेसी इन काबुल, उससे हटकर वो क्या था, सब कुछ, सब दुनिया जानती है इस बात को, जितनी दहशत होती थी उससे ज्यादा वो जानते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया अफगान सॉयल को इस्तेमाल करके क्या क्या कराता रहा है। अब एक बहुत बड़ा अखलाकी प्रेशर जिसकी अमली शक्ल आए या ना आए वो मौजूद है, जिससे वो खोखले हो गए। बाइडन की स्पीच क्या बता रही है? वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम जानते थे कि क्या हो रहा है, वो तो यही कहेंगे कि जी उसका नतीजा नहीं निकल रहा था, हमारे फैसले गलत थे और लड़ी नहीं, हम तो अभी भी तैयार थे। वो तो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से कवर भी कर लिया है कि हमने तो मैसेज भेजा है ना कि लड़ो भाई, हम डिस्टेंस सपोर्ट देंगे आपको, वो लड़े ही नहीं। ये सारी वो चीजें हैं कि जिससे मोरल जो है वो जमीन से लग गया है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग फोर्स जो है इस वक्त तालिबान के खिलाफ है, अब कितने तस्लीम करते हैं कितने नहीं करते, लेकिन एक इतनी बड़ी जो बॉडी है ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी वो उसको तस्लीम करने के लिए जा रही है। हाँ, इस पर ये जो प्रोसेस है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रिस्की, बहुत सेंसिटिव है कि क्या सेटअप बनता है, क्या तालिबान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करेंगे, या कोई नेगोशिएशन के नतीजे में वो हिस्सा बकदरे जुस्सा बियॉन्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन इस तरह की हुकूमत बनने के लिए इत्तफाक राय हो जाएगा। तो ये अभी हमने देखना है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हुई है कल से जो हो रही है पैरेलल टू साले के वहां पहुंचने के, ये साले की जो मौजूदगी है पंजशीर वैली में उसको डिफ्यूज कर देगी। वहां रशीद दोस्त मौजूद नहीं है, हो सकता है इंडिया सपोर्ट करे, हो सकता है कोई बैरूनी मुल्क और कोई ताकत और कोई
बड़ा ग्रुप जो है दूर से इशारा दे कि जी साले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसका मौजूद है, वो मफरूर प्रेसिडेंट है, हालात नहीं रहे थे, अगर किसी ने यहाँ गेम करनी है तो ये चंद दिनों में ये मजीद इशारे आएंगे, मजीद इंडिकेटर आएंगे, अभी कम्युनिकेशन से कुछ ऐसी आएगी जिससे ये पता लग जाएगा। लेकिन जो कराइन बता रहे हैं, जो दीवार पर लिखा हुआ है, वो यही है कि अफगानिस्तान में एक कोई अब नया प्रोसेस शुरू होगा और अब एक पॉलिटिकल जो अर्ज है वहां से एक इख्तलाफ की सूरत जरूर पैदा होगी कि हमारी प्रेजेंस, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी रिकग्निशन, हमारी जो रियलाइजेशन जो हमने अफगानों के लिए किया वो भी होनी चाहिए। इस मामले में जो सबसे बदकिस्मत तरीन मुल्क है वो इंडिया है, जिसने हालात को कैलकुलेट ना करते हुए या गलत करते हुए कोई चैनल खोला ही नहीं तालिबान के साथ। बड़ी मुश्किल से एक रिस्पांस तालिबान ने दे दिया, कोई थोड़ी सी उनकी नेगोशिएशन हुई और तालिबान ने क्लियर कर दिया, लेकिन वहां तालिबान के खिलाफ अब तक वो मीडिया लगा हुआ है। तो ये सेटबैक्स और इंडिया इस पोजिशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान दरमियान में है और चाइना और रशिया और ये सब चल रहे हैं और जो यूनियन है और जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो यूनाइटेड नेशंस है, वो एक मौका फराहम कर रही है और वो फिर इंडिया उसका कोई बेनिफिट ले जाए उसमें। तो वो जो कल की डेवलपमेंट है अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, वो मैं नहीं समझता कि ऐसी होगी। ऐसा बहुत से मुल्कों में है कि पॉकेट्स बनी हुई हैं, इंडिया की 7 स्टेट जो है हम बचपन से सुन रहे हैं कि वहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, बलोचिस्तान मुद्दतों से अलहदा होने की प्रिडिक्शन आ रही हैं कि ये अलहदा हो जाएगा ग्रेटर बलोचिस्तान की। तो अगर वो साले वहाँ कोई ग्रुप बना लेता है, उसको कोई इंटरनेशनल इनडायरेक्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना उसको बहुत मुश्किल है ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, क्योंकि वो काबुल से 200 मील के फासले पर है, दरमियान में है, किसी बॉर्डर सिटी तो है नहीं वो, कोई मजार शरीफ वो अंदर ही है और जो पंजशीर वैली है खासतौर पर, तो वो दीर के बॉर्डर से कोई 200 किलोमीटर के उस पर मौजूद है। तो वो भी उनके लिए एक ड्रॉबैक है कि अगर कोई इस तरह की सूरत बन जाती है तो वो पाकिस्तान को ज्यादा एज मिल सकता है, हमारे एलाइज को ज्यादा एज मिल सकता है, उसको नहीं मिलेगा। तो उनको अब इस तरफ सोचना नहीं चाहिए कि हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन में, किसी सिविल वार में, किसी आर्म स्ट्रगल में, किसी ऐसी मार्शल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस में जाएं कि एक नया जो है गेम किया जाए, तो ऐसा लगता नहीं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और पाकिस्तान के तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिस तरह मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूँ, वो हाँ मैं एक बात जरूर खत्म करूंगा कि ये वो मौका आ गया है, टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कि हमें फौरी तौर पर जो है अपनी जो इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई इंतजाम करना चाहिए और वो पार्लियामेंट्री लेवल पर होना चाहिए। हमको बहुत सी चीजों की कुर्बानी देकर इस तरफ आना होगा कि हम एक लेजिस्लेशन में जाएं। ये वो वक्त है, ये आप, मैं शफीक साहब को गुजारिश करूंगा कि ये जरूर संभाल कर रख लें, शायद कभी काम आ जाए, कि इस वक्त एक बहुत वसी तर लेजिस्लेशन की जरूरत है जिसमें हम जो हम पर फॉरेन इन्फ्लुएंस आने वाले हैं, हमारा जो इकोनॉमिक लिंकेजेस बन रहा है उसके अपने, हमारा जो तहफ्फुज है हमारे नियर फ्यूचर का, हमारे मिड फ्यूचर का, हमारे फार फ्यूचर का, उसके हवाले से हमें अपनी सरजमीन को, अपने एसेट्स को और अपने इन्फ्लुएंस को एक हद में रखना है और उनको महफूज करना है। क्योंकि मैं इस पर ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता कि क्या हुआ, गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी इमीडिएट नेशनल नीड है, इस पर कोई तवज्जो नहीं है, ना कोई सियासतदान दे रहा है कि हमें एक लेजिस्लेशन में जाना चाहिए, हमें 2/3 मेजॉरिटी से ऐसे कानून पास करने चाहिए कि हमने किसको नेशनलिटी देनी है, कौन यहाँ प्रॉपर्टी खरीद कर सकता है, किस नेचर की प्रॉपर्टी ले सकता है, किस नेचर की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये फ्रेम में होना चाहिए और उसकी जो अप्रोच है, उसकी जो डायरेक्शन है,
वो ट्रू टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट होनी चाहिए और उसमें हमें तमाम जो पॉलिटिकल उस लिहाज से जो बलावल जरदारी की जो गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मैंडेट दैट इट इज उनको भी इस तरफ लाना चाहिए और खान साहब को कोई ब्रिज का एहतमाम जो है वो फौरी तौर पर करना चाहिए इस किस्म की लेजिस्लेशन के लिए, क्योंकि ये अभी हो जाएगी इसी कवर में हो जाए जो अफगानिस्तान का चल रहा है, वरना इसको इंटरप्रिटेड और डिफरेंट तरीके से किया जाएगा, इसको और प्रोपेगेंडे में ले जाया जाएगा, तो बेहतर है कि हम जल्दी से ये इस तरह की कोई लेजिस्लेशन का इंतजाम कर लें। शुक्रिया जी। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारे हजरात मौजूद हैं, मुख्तसर बोलने के साथ मोहम्मद सलीम चौधरी साहब रोटेरियन। मैं सर ये उससे स्टार्ट करूंगा कि ये मेजर चीज जो उन्होंने कही है मंसूर साहब ने कि भाई वो ये अशरफ गनी का फेलर कैसे हुआ है और जो एक्सपेक्टेड थी अपना रेजिस्टेंस इनसाइड वो क्यों नहीं हो पाई मेनली ट्राइबल एरिया पे ट्राइब्स के हवाले से, उसमें ये है कि एक बड़ा अच्छा एक डिटेल ब्रीफ आया है वो विलियम ब्रायल का है, उसने हिस्ट्री ट्रेस की है पहली बार जो 1842 में अपना यूके ने ब्रिटिशर ने की थी इनके साथ अफगानिस्तान से उससे शुरू किया है, और उसने जो मेनली यहाँ करंट सिनेरियो में उसने ये कहा है कि ये जो अशरफ गनी था इसमें ना तो वो डिप्लोमेटिक कैपेसिटी थी जो कि इससे पहले वाला जो आदमी था उसमें थी, और इसकी दूसरी बात है इसमें तीन चीजें थी एरोगेंस क्रूडनेस और इम्पेशंस, इन तीनों चारों डिफेक्ट की वजह से अशरफ गनी जो है ना वो अपने इसके साथ जो है वो ट्राइब जो है लिंक अपना हुए जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये उनके साथ करेगा, इसका बिहेवियर जो इसका कंडक्ट ने वो पॉसिबल नहीं किया, एक बात ये है। और अब सेकंड पार्ट जो मैं आप कहना चाहूँगा वो ये है ये जो आदमी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट आ गया साले वो रीप्लांट हो रहा प्राइमरीली मेरा अपना ख्याल है कि वो इंडिया सपोर्टेड आदमी है, ख्याल क्या है ये तो मेरा सबको नो नहीं होगा, और जो है अभी उसकी जो वो उसमें मेरा ख्याल है पॉसिबल मे बी अमेरिका और यूके ना आए लेकिन इंडिया डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेगा, और वो जैसे ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रा वाली बात है तो मोदी की कोशिश होगी कि उसके 4-5 बिलियन डॉलर ज़ाया हो रहे हैं और प्लस स्ट्रेटेजिक टोटल लॉस हो रहा है उसके लिए लास्ट बिट वो करने की कोशिश करेगा उस साले के जरिए, ये एक मेजर थ्रेट है। और उसने जैसे उन्होंने कहा मंसूरी साहब ने बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसका एक उसको एक बैकअप है क्योंकि एज पर अफगान कॉन्स्टिट्यूशन वो जो बंदा एब्सकॉन्ड कर गया है उनका प्रेसिडेंट उसके बाद नेक्स्ट सक्सीड यही करेगा साले, तो इससे ये कोई कन्फ्लिक्ट का सीरियस कन्फ्लिक्ट डेवलप होने का चांस है जो पहले नजर नहीं आ रहा था, पहले महसूस हो रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी एक डिसीजन हो गया वंस फॉर ऑल जो है टोटल कैप्चर हो गया तालिबान का, लेकिन ये शोशा जो है ये काफी हैजर्डस है, इसके कंसिक्वेंसेस काफी हो सकते हैं अफगानिस्तान के लिए और हमारे रीजन के लिए, ये मेरा कहना। थैंक यू जी, थैंक यू। बहरामन दुरानी साहब मौजूद हैं जो ज्यादा करीब हैं अफगानिस्तान के हम सब से। सर डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब ने तो तफसीली जो है इस पर गुफ्तगू की है और बहुत कम स्पेस छोड़ा है कि इस पर गुफ्तगू किया जाए, जामाती और बहुत जबरदस्त एनालिसिस। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर दो किस्म की सोच थी कि ये जो है आइडियोलॉजी और नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म जो है ये फैक्ट नेशनलिज्म के यानी का नैरेटिव जो है वो चला गया था, उसको प्रमोट करने के लिए पश्तो पॉपुलेशन जो है पश्तून पॉपुलेशन उसको भी लूप में लेने की कोशिश की गई थी, और दूसरी जो है परिपरी में या रीजनल लेवल पर जो फोर्सेस है या जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है अफगानिस्तान के साथ लगी हुई,
इस वो भी नेशनलिज्म पर उनका फोकस था कि उसको सपोर्ट किया जाए और उसमें अपने लिए स्पेस पैदा किया जाए, क्योंकि इंडिया ने 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और यानी ये सब कुछ अगर देखा जाए ना, तो आइडियोलॉजी जो है इस बार जीत गई है। और ये आइडियोलॉजी जो है जब जीत रही थी तो उसके लिए तालिबान ने मॉक एक्सरसाइज, यानी मैं तो ये ना नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की मदद से, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक मॉक एक्सरसाइज जो है उन्होंने कर ली थी, शुरू कर ली थी। और जब वो शुरू में जो जो जगह जाते थे और अपनी पेनिट्रेशन जो है उसको रीएनफोर्स करते थे, तो वहां पर ये मॉक एक्सरसाइज करते थे कि जब हम मुकम्मल वो करेंगे यानी कंट्रोल हासिल करेंगे तो हमने किस तरह जो है डिलीवर करना है और हमारा नया फेस किस तरह होगा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेल आउट करेंगे। तो उसमें वही 3-4 बातें इन लोगों की थी जो जिसमें चाम था और सबके लिए एक्सेप्टेबल था कि हमने जो है यानी ये करना है कि हमने जो है बुनियादी हुकूक, इंसानी हुकूक जो है इस पर जो है इस बार जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, तालिबान का यह ख्याल था। दूसरा यह था कि इंडिया की क्या है, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी की किसी किस्म की वायलेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और ये जितने भी यानी वो थी, ये इस पर फोकस था कि हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये एक किस्म का मॉक एक्सरसाइज भी साथ साथ करते रहे। लेकिन अगर आप देखें तो तालिबान ने इस बार जो है नार्दर्न जो इलाके थे उसमें अपनी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाई है। वहां पर जो है उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है शो की थी और वहां पर अपने आप को स्टेबलाइज किया था, बजाय इसके कि वो इधर से कंदहार से और इन इलाकों से साउदर्न पार्ट से जहाँ पर उनकी वो है यानी उसके पास ग्राउंड भी था, पॉपुलेशन भी था और पेनिट्रेशन भी उसके स्ट्रांग थे उन्होंने नार्दर्न एरियाज पर। तो अफगानिस्तान अगर देखे तो इस वक्त जो है उसके कंट्रोल में है, उसके पास अफगानिस्तान तक एक्सेस जो है उन लोगों की होगी जो तालिबान के साथ फील्ड शेयर करेंगे, यानी ये एक बात है। और बाकी जो है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली फायदा इसलिए होगा कि अभी जो है पाकिस्तान की रेगुलर एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 1 से 2 बिलियन डॉलर की थी और बाकी 4-5 बिलियन की जो है वो इरेगुलर एक्सपोर्ट और ये चीजें थी। अब जो है ये अंदाजा किया जाता है कि ये जो है पाकिस्तान डोमिनेंट जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो रीगेन करेंगे। और लोगों का ख्याल है, एक्सपर्ट का ख्याल है कि ये 30 से 40 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक गेन जो है सालाना कर सकेंगे और एक मुकम्मल जो है पूरे इकॉनमी को, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये रीशेप होगी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। बेगम अंकल, जनाब मोहतरम जावेद नवाज साहब, देखिए, मंसूरी साहब ने जिन फैक्टर्स का जिक्र किया है वो बहुत ही अहम हैं, और एक अच्छे उस्ताद की तरह उन्होंने अपने शागिर्दों को बिल्कुल बात समझा दी है कि असल इश्यूज क्या हैं और उनका हल क्या है। दो तीन बातें इसमें कही जा सकती हैं जो काबिल गौर भी हैं और काबिल फहम भी। पहली बात ये कि साले का जो फैक्टर बताया गया है, अहमद शाह मसूद का बेटा 2 दिन पहले पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में उसकी मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ भी हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुई और मुख्तलिफ और लोगों के साथ भी हुई जिनमें जियाउल हक का बेटा एजाज़ुल हक भी शामिल है। तो उसमें जाहिर बात है कि इस सूरत हाल में अहमद शाह मसूद का बेटा अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और पाकिस्तान के मौकफ की हमायत करता है तो पनशेर वैली से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी बगावत नहीं उठ सकती।
ये हमारी दुआ भी है, हमारी ख्वाहिश भी है और इसके इम्कान भी है। बाकी आपने देखा कि लोग यूरोप में और अमेरिका में और खुद पाकिस्तान में दानिशगढ़ जो है वो तालिबान के कब्जे पे ऊपर या कब्जा छुड़ाने पर, देखिए दुनिया का ख्याल ये था, ये दुनिया की ख्वाहिश ये थी कि जो ही तालिबान आएंगे जंगो जलद शुरू हो जाएगी, कत्लो गारत होगा, बिल्डिंगें जलेंगी, जहाज गिराए जाएंगे और उसके बाद खूब तमाशा लगेगा। लेकिन उनको ये भूल जाते थे कि ये 1996 के तालिबान नहीं है, ये 2021 के तालिबान है। इर्तकाई अमल दुनिया में जारी रहता है, लोग सीखते हैं और लोग उस सीखने का अमल जो है वो मुख्तलिफ वर्कशॉप में होता है। आपको ये बात याद होगी कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर 8 साल तक पाकिस्तान की एक फैक्ट्री में गिरफ्तार नहीं रहे, तरबियत हासिल करते रहे। वो 8 साल पाकिस्तान में रहे और उस वक्त रहा किए गए जब अमेरिका ने को उनकी नेगोशिएशन में जरूरत पड़ी। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तरबियत हासिल करते रहे और उसके बाद अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं इन्होंने आज से कोई 15 साल पहले अपनी शेडो कैबिनेट बना ली थी। उन्होंने मुख्तलिफ वजारतें जो हैं, मुख्तलिफ जो महकमे हैं, मुख्तलिफ लोगों के सुपुर्द कर दिए थे। हेलो, एक 1.5 महीना पहले ज़ियाउल हक के भाई के इंतकाल पे अफगानिस्तान से एक बड़ा डेलीगेशन आया था और वो मुख्तलिफ लोगों से मिला और उन्होंने उन तमाम तरजीहात को वाजे कर दिया था जो आज हम अमलन देख रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा कि हमारी जो मैनिफेस्टो होगा या हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें कत्लो गारत नहीं होगी, उसमें खवातीन की आज़ादी होगी, उसमें शहरी आज़ादियों का तहफ़ुज़ होगा, उसमें वगैरह वगैरह उन्होंने वो तमाम चीज़ों का इजहार किया था। और इस पर अल्ताफ हसन कुरैशी साहब ने 3 बहुत वाज़े किस्म के आर्टिकल लिखे। एक आर्टिकल उनका उर्दू डाइजेस्ट में छपा और 2 आर्टिकल उनके जंग में छपे उसी मुलाकातों पे। अब ये समझिए कि तालिबान इस वक्त एक तब्दील शुदा तालिबान है, ये एक उनका रिफॉर्म्ड चेहरा है जो हमारे सामने आया है। बाकी ये कि चूंकि वो सच पे हैं, हकायक पे हैं, लिहाजा वहां जो मुखालिफ कुव्वतें हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर सकी। सदर बाइडन ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने उनको असला भी दिया, हमने उनको टेक्नोलॉजी भी दी, हमने उनको पैसे भी दिए, लेकिन जंग लड़ने का हौसला हम उनको नहीं दे सके। यही बुनियादी बात है जिसकी वजह से वो जंग हार गए और तालिबान जंग जीत गए। अब देखना यह है कि आइंदा क्या होने वाला है। आइंदा मैं समझता हूँ ये जो ख्वाहिश है कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है। हम सब चाहते हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने। अमेरिका में ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती है, वहां अक्सर ये होता है कि मुखालिफ पार्टी के आदमी को डिफेंस सेक्रेटरी लगा दिया जाता है, मुखालिफ पार्टी के आदमी को सेक्रेटरी ट्रेजरी लगा दिया जाता है। अब ये ब्रॉड बेस गवर्नमेंट जो है वो इस तरह बनेगी अफगानिस्तान में कि तालिबान के साथ हिकमत यार उसको सपोर्ट करेंगे, तालिबान को नौशेर वैली जो है उसके लोग सपोर्ट करेंगे, तालिबान को शुमाली जो लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसका खाका ऑलरेडी तय हो चुका है कि कौन कौन लोग किस तरह उसको सपोर्ट करेंगे। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि यूरोप की कुछ ताकतें, जैसे आज कनाडा ने कह दिया कि हम तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, इस तरह की मुखालफतें जो हैं अगर आएंगी तो उससे रखना पैदा होगा। पाकिस्तान का ये कहना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम दोस्तों से मशवरा करेंगे, हमारे जो वजीर गुफ्तगु शनीद हैं जिनको वजीर क्या नाम उनको कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि इतला दी गुफ्तगु शनीद के वजीर हैं वो। अच्छा। गुफ्तगु शनीद के वजीर ने कहा कि हम पूरी दुनिया से मशवरा करके तालुकात करेंगे, पूरे के 213 मुल्क हैं उनसे मशवरा करने जाएंगे, जबकि वजीर खारजा हमारे जो है वो मुल्तान में है, वो कई दिन से मुल्तान में देख रहे हैं कि तालिबान की पेशकदमी क्या हो रही है
और दुनिया की सियासत का रुख क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जिसका ताल्लुक उनकी गद्दीनशीनी से है। तो हालात पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान की अशराफिया के बहुत अच्छे नहीं है। हमें थोड़ा सा संजीदा होना उन्हें की जरूरत है। इस वक्त जो बुनियादी तौर पे जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान कोई अच्छा कदम उठाए, अपने दोस्तों को रागिब करें, बजाय इसके कि बैक बेंच पे बैठ के कहें कि हम लोग बाकी दुनिया का साथ देंगे, वो एक लीड रोल ले। अफगानिस्तान में तालिबान के और हिकमतयार के अलावा कभी कोई पाकिस्तान की फेवरेबल हुकूमत या पाकिस्तान की फेवरेबल पार्टी नहीं आई। 1947 में आपको याद होगा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। 96 और 2001 के दरमियान ये 4 साल ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योर था, अदरवाइज अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन या मुखालिफ मुल्क समझा जाता था। इस मौके को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए और उस पर खाली गपशप और गुफ्तगुशनीद की बजाय अमली कदम उठाना चाहिए और आगे बढ़कर दुनिया के सामने एक बेहतर नक्शा, तालिबान का एक बेहतर नक्शा पेश करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े और मामलात को संभाले। मैं समझता हूँ कि 2-3 काम तालिबान ने जो किए वो बहुत ही खुशाइंद है। मसलन शेर हैरात, वो जो इस्माइल खान है, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने उनको नहायत इज्जत और एहतराम दिया और उनको फौरन उन्होंने अपना मंदूब बना के निगोशिएशंस के लिए काबुल भेज दिया। आज उन्होंने काबुल के मेयर को डिसमिस नहीं किया, उसको कहा कि आप अपना काम जारी रखें। बैंकों के मैनेजर्स को और बैंकों के इंस्टीट्यूशन के और इंडस्ट्री के लोगों को उन्होंने कहा कि अपना काम जारी रखें। जरूरत इस बात की है कि कंटिन्यूटी कायम रहे, मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैले और अमन अमान कायम हो और उसमें तालिबान जो है उनको दुनिया की रिकग्निशन मिल जाए और उसमें पाकिस्तान को अहम रोल अदा करना चाहिए, बैक बेंचर नहीं बनना चाहिए। बहुत अच्छा जी। तो जनाब खलीफा जियाउद्दीन साहब, मुझे जो जावेद नवाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की और पूरी तरह से मैं उसका उसका साथ देता हूँ। मेरे जहन में जो 3-4-5 सवाल हैं वो मैं पेश करता हूँ कि जो मुझे, एक तो ये है कि जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक तालिबान का फेसेट है, तालिबान के हर बड़ी तंजीम के कई फेसेट होते हैं, उनका एक फेसेट ये TTP भी है। और TTP जो है वो बाहर के इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, वो इंडिया के उसको माली मुआवनत भी हासिल है और वो पाकिस्तान में जितने भी पिछले दिनों में या उससे पहले जो जो कुछ भी होता रहा है उसमें TTP इन्वॉल्व रही है। इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो होगी नए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की वो क्या होगी। आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो है वही जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करेंगे या कुछ तालिबान नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं। अगर तालिबान को नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं, वो अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि वो किस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर गवर्नमेंट को चलाएंगे। एक ये बात अभी है जो क्लियर होने वाली है। तीसरी बात यह है कि जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की जो बात हो रही है उसमें पावर किसके पास होगी। पावर जो है वो तालिबान की फोर्सेस ही के पास पावर होगी, तो फिर ये ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जो है वो ठीक है, बड़ी अच्छी है और बड़ा सही रहेगी, लेकिन अगर जिसके पास पावर होगी, क्योंकि वहां पे नेकेड पावर जो है अफगानिस्तान में वो मैटर करती है, वहां पे सियासत मैटर नहीं करती ज्यादा, जो वहां मैटर करती है करती है वहां पे वो नंगी पावर जो है वो ज्यादा मैटर करती है। अगर वो पावर तालिबान के पास ही रहेगी तो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनती रहे जितनी बननी है, लेकिन काउंट वही करेगा जिसके पास पावर होगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि वियतनाम की जो साउथ वियतनाम के साथ जो अमेरिका की बहुत ही लंबी जंग हुई थी
और वहां से भी अमेरिका इसी तरह से भागा था जैसे अफगानिस्तान से भागा है, वो आज अमेरिकन के साथ उसकी दोस्ती है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो तालिबान के साथ भी जो आखिरी जो जीत हुई है अमेरिका के साथ, इसमें शायद ये भी शामिल ना हो कि कुछ अरसे बाद हम देखें तालिबान जो है वो मंजूर नजर हो अमेरिका से और अमेरिका भी तालिबान की मदद कर रहा हो। पांचवी चीज जो मैं समझता हूँ कि साले साहब जो पंजशीर वैली में गए हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी कोई खास हकीकत नहीं है, क्योंकि पंजशीर वैली में मसूद साहब की जो हकीकत थी वो ये थी कि उसके सारी की सारी पंजशीर वैली उनके पीछे थी। अब ऐसा नहीं है, अब वो डिवाइडेड है। तो मसूद का बेटा जो है वो तालिबान इस हकूमत के साथ है और अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब भी वहीं से हैं, वो भी हकूमत में हैं। तो साले साहब अकेले जो है वहाँ डिवाइडेड है पंजशीर वैली। पंजशीर वैली को सिंगल लीडरशिप नहीं है जैसी सिंगल लीडरशिप पहले थी। बाकी रह गई ये बात कि पाकिस्तान का रवैया तालिबान के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं जावेद साहब की बिल्कुल सेकंड करता हूँ उनको कि पाकिस्तान को आगे बढ़ के जो इमदाद पाकिस्तान कर सकता है या जो कुछ भी उनको आसानी पहुंचा सकता है या उनको माली या हर तरीके से पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। और इस वक्त ये मसला ऐसा है कि जो भी वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसमें पाकिस्तान को अपना ज्यादा से ज्यादा रोल अदा करना चाहिए। थैंक यू जी। ताहिर जमील नूरानी साहब लंदन से। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब ने प्रीलिमिनरी जिन पॉइंट्स पर गुफ्तगु की है और जिस तरह तारीखी खाका पेश किया है वो वाकई एक तालिबे इल्म के लिए वो एक सबक भी है और इसे हम सीखना भी चाहिए कि बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान में हुआ क्या और होने क्या जा रहा है। मैं यहाँ बरतानवी हवाले से बात करूँगा कि जब दो रोज़ पहले ये सब कुछ हुआ तो लकली या अनलकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन साहब वो अपनी सालाना तातीलात पे थे। वो ही नहीं थे, उनके अलावा और भी जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो गए हुए थे क्योंकि कोविड भी है और पिछले दो साल से मामला इंतहाई वो उस तरह ज़ोर शोर से नहीं हो रहे थे इजलास जैसे कि होने चाहिए थे। तो बहरहाल अब वो तशरीफ़ वापस लाए और आप हैरान होंगे कि दो साल के बाद हाउस ऑफ कॉमन का ये पहला इजलास था जिसमें एक सीट भी खाली नहीं बची और वो सारा कुछ कोविड के जो असूल हैं उनके मुताबिक हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना जी, जब कोई चीज़ प्लान ना की हो और सिर्फ सामने परिंदे नज़र आ रहे हों तो उनके बैठने का या उनके शिकार करने का फैसला थोड़ा मुख्तलिफ होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अपनी तकरीर शुरू की है तो उसमें उन्होंने लफज फोर सा भी कह दिया, यानी आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं कि वो उसका मतलब है कि उनको अफगानिस्तान पे ये जो कब्जा तालिबान ने करना था इसको वो पहले भांप चुके थे। अब ये जो अल्फाज उनसे अदा हुए हैं और उसके बाद वो हाउस ऑफ कॉमन में वो कहराम मच गया। जब आपने ये मामला तो आपको मालूम था, जानते थे कि नोयत इस हद तक पहुंच जाएगी और जो हमारे बरतानवी थिंक टैंक्स हैं उन्होंने भी और बरतानवी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है उन्होंने भी बहुत पहले ये कह दिया था कि ये जो तालिबान अब आए हैं उनकी हिकमत अमली जो इस तरह की है कि हो सकता है कि जो बाइडन साहब या कोई और जो यूरोपीय ममालिक में से कह रहे हैं वो 10 दिन ना लगें, ये अब दिनों या घंटों की बात है। और वही जो मामला है वो उसमें वो सामने आ गया। तो अब वो बोरिस जॉनसन साहब से सिलसिला में एक सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और यहाँ तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करना जो है वो आम बात नहीं समझी जा रही। क्यों? एक तो नेटो फोर्सेस का हिस्सा है हम और दूसरा ये था कि ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो तालिबान जिन्हें अमेरिका ने दहशत गर्द कहा, गुंटानामो भरी उधर आके तोरा बोरा में सब कुछ कहा और उसके बाद खुद ही वो फैसला कर लिया कि दोहा में जी उनसे मुज़ाकरात भी हों। अब ये भी जो समझ वाली बात है ये भी इस पे एक सवालिया निशान है कि जब ये हुआ तो क्यों बरतानिया से इस तरह की बात जो है वो नहीं की। अब जाहिर है कि
तमाम जो शक व शुबा की गुंजाइश थी वो तो ख़त्म हो गई। तालिबान ने माशाल्लाह एक बड़ी आला हिकमत अमली से, जैसे जवेद साहब भी कह रहे थे और डॉक्टर मंसूरी साहब ने भी कहा, यानी देखें सारे गवर्नर्स जो हैं सूबों के उनको उतार के और साथ ही अशरफ गनी साहब को मजबूर कर दिया कि वो मुल्क छोड़ जाएं। अब अशरफ गनी साहब जो थे वो एक हफ्ता पहले ही, यानी शुनीद ये है कि वो अपना जो इस्तीफा था वो लिख चुके थे, उनको मालूम था। इसका मतलब है कि हालात वो भी जानते थे कि जो तालिबान हैं वो उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां से अब मुझे जाना ही जाना है। तो वैसे तो ये कह रहे थे कि अभी 3 महीने लगेंगे, यानी अमेरिका की अपनी जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहा था कि ये हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये 10 दिनों में ये जो है तालिबान जो है वो इस पर काबू कर लें। अब सूरत हाल ये है कि अशरफ गनी ने क्या किया नहीं किया वो तो एक अलहदा बात है, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह वो याद है 2017 में अशरफ गनी साहब ने यहाँ BBC को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये तस्लीम किया था कि अफगानिस्तान के अंदर सदर बनना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ इतने मसाइल हैं कि उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। और ये भी उन्होंने इकरार किया था कि सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ है वो सिक्योरिटी का है। अब वो जा चुके हैं, अब वो कहाँ गए हैं कैसे गए हैं ये एक और सवाल है, इसमें हमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो अब सबसे अहम सवाल है हमारे पाकिस्तान के हवाले से या दुनिया जो जिस तनाजर में देख रही है वो ये है कि ये कब हुकूमत बनाते हैं कैसे बनाते हैं। डॉक्टर मंसूरी साहब ने अब्दुल्ला अब्दुल्ला और साले का बिल्कुल वाजिया जिक्र कर दिया और मेरे लिए ये एक नई इंफॉर्मेशन थी कि उनके जो यानी दस्तूरुल अमल में अगर आदमी फरार हो जाए तो उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको सदर बनाया जा सकता है, मुझे मालूम नहीं था। तो ये चीजें जो है ये अब देखना पड़ेगा कि ये इसमें भी क्लास चेंज करनी पड़ेगी, हो सकता है या करें वो या ना करें। लेकिन एक बात आप आज नोट रखें क्योंकि रिकॉर्ड होगा प्रोग्राम, कि वक्त आएगा यही अमेरिका अपनी 20 साल अस्करी कुवत और ट्रिलियन डॉलर लगाने का हिसाब अशरफ गनी साहब से जरूर लेगा। आज वो कहाँ भी चले जाएं किसी तरफ भी चले जाएं, क्योंकि इसमें एक चीज जो है वो यहाँ है कि वो शो ये कर रहे हैं कि हमें यही मालूम था कि जज्बा नहीं भी तो इतना पैसा लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अब हमें पाकिस्तान को इसमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है, बरतानिया के जो अस्करी विंग हैं और जो यहाँ के सियासी तजिया निगार हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंतहाई फुनक फुनक के कदम इसलिए रखना है, जिसकी वो अभी जवेद साहब ने बात की, वो मैं उन्हें वजीर इत्तला'आत कह रहा था, वो गालबन कुछ वो और कह रहे थे। हाँ जी, तो फवाद चौधरी साहब ने जो कह दिया है उन्होंने देख के कहा होगा, देखे ना हमारे मामला तभी देखें, फैटफ हमारे ऊपर है, IMF हमारे ऊपर है, अभी जो हमने बाढ़ लगाई है वो ऊपर है और दुनिया से आपने देख लें मर्कल ने ये जो जर्मनी की है उसने बिल्कुल सामने आके बता दिया है कि वो आगे जाके वो आसानियां पैदा नहीं करेगी, जिस तरह के कनाडा आगे जाके हो सकता है कि आगे क्या मामला हों। तो हम अगर 213 ममालिक यानी जितने भी हैं उनको देख के अगर करते हैं तो हम अपनी मजबूरियों का वो हिसाब लगा रहे हैं, वरना फवाद चौधरी साहब इस तरह नहीं कह सकते। हम चाइना रूस और ईरान और दूसरे ममालिक से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छे तलकात हैं। तो मैं बस ये इसमें यही अर्ज करूंगा कि जो अफगानिस्तान को तस्लीम करने का मामला है वो इंतहाई मुख्तात अंदाज में ये करना होगा, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात अब फाइनल हो गई कि भारत सारी जिंदगी जो है वो अपना मुंह ऊपर उठा के जिंदा नहीं रह सकता। शुक्रिया जनाब। न्यूयॉर्क से आसिफ नज़ीर साहब क्या कहें? मेरे ज़हन में कई सारे सवाल आए जिससे वक्त प्रेसिडेंट बाइडन की तकरीर आई है। एक तो जब पहले हामद कारज़ई को चेंज किया गया तो पाकिस्तान ने उसमें बहुत ज्यादा मदद की थी, जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको शायद डोनेशन भी दी थी काफी सारे मिलियन डॉलर्स, तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत है। मेरे ज़हन में सबसे पहले यह है कि जो ये जो अब्दुल्ला फैमिली है ये तो प्रो इंडिया 100% है, क्योंकि यहाँ इंडियन TV में वो उनके बेशुमार लोग यहाँ जब वो न्यूयॉर्क में अभी आते हैं तो उनको बुलाते हैं और मिलते हैं उनके कॉन्स्टेंटो वाले भी।
अच्छा, अब ये है कि वो जो तालिबान है वो जितने ममालिक हैं हमारे, स्पेशली पाकिस्तान, हमारे साथ उनके जो तल्लुकात होंगे वो किस नोयत के होंगे, और जो गवर्नमेंट्स बनेंगी उनकी वो लोग, तो डॉक्टर साहब मसला ये है कि जो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे बनेंगे जैसे गवर्नर होंगे या जो भी कर्ता धर्ता होंगे, उनकी जो सलाहियतें होंगी क्या वो इस लेवल के हैं कि वो कम्युनिकेट कर सकें इल्मी तौर पर, और जो उनकी सलाहियतें डिप्लोमेटिक सतह पे वो इस लेवल के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं काफी, कि वो संभाल लेंगे कि पाकिस्तान के साथ कैसे ट्रीट करना है, मिडल ईस्ट के साथ कैसे करना है, यूरोप के साथ कैसे करना है, अमेरिका के साथ कैसे करना है, और हमारा रोल बहुत सेंसिटिव है और हमें वो किस हालत में रखते हैं, या जो लोकल 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 जो लोकल है, मुझे तो आ रही है अभी, अच्छा जो लोकल अफगानी है यहाँ पे, वो तो पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं 100%, जिनके साथ हमारा लेन देन है। लेकिन चलिए हमारी गवर्नमेंट की सतह पे, क्योंकि हमारे वो बॉर्डर पे हैं और वहाँ पे उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं और हमारा हर तरह से उनके साथ ताल्लुक है, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ इनकी जो नियत होगी रिलेशनशिप की, वो कितना कितना ज्यादा ब्रॉड बेस होगा, कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा, और ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो पोजीशन है पाकिस्तान की बहुत ही नर्म नाजुक है, और इस हवाले से अगर डॉक्टर साहब आप, डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब ये हमें बताएं कि वो पाकिस्तान को अभी उसमें उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए इस वॉर में जितना पहले था, या इसके हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, क्या हम स्टेप बैक नहीं कर सकते कि अपनी इकोनॉमी जो है हम इनके ऊपर स्पेंड करने की बजाय हम अपने कंट्री पे लगाएं, ताकि हमारा हमारा बेहतरी का सिलसिला कुछ हो, और सऊदी अरब इसको तस्लीम करेगा सर? तो ये मजीद गनी साहब से पूछ लेते हैं जनाब। मैं अपने तासुरात में ये है कि मेरा एक सवाल होगा डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब ने, जावेद साहब ने बहुत ही जामे अंदाज में जो है वो सारी सूरत हाल वाजे कर दी है, और उसमें मैं जावेद नवाज साहब की इस बात से इत्तफाक करूंगा कि हमें अफगानिस्तान के मामले पे जो है वो थोड़ी सी जो है इस कामले को एक्सपीडाइट करना चाहिए, और उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए जो है वो जितनी भी डिप्लोमेटिक कोशिशें होनी चाहिए या जो हम उनकी इमदाद कर सकते हैं वो हमें उनकी जो है वो इमदाद करनी चाहिए, और ताकि बाद में हमारी उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो उनकी नौयत बाकी कम से कम मुल्कों की निस्बत जो है वो ज्यादा मजबूत हो। और इस सिलसिले में आप देखिए तो जिस तरह जावेद नवाज साहब ने फरमाया था कि जनरल ज़िया की के भाई की वफात पे उनका एक डेलीगेशन आया और उन्होंने जिस किस्म की पाकिस्तान के हवाले से बातें की थी, तो कल इजाजुल हक साहब एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि जनरल जाउल हक साहब की बरसी के ऊपर भी एक बाकायदा 15 रुकनी वफ्त ने शिरकत की है, और उन्होंने इजाजुल हक साहब को ये भी कहा कि हम आपको इधर अफगानिस्तान आने की दावत देंगे, और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया है। तो हमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, और हमारे जिस तरह वो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जी हम बहुत सारे ममालिक के साथ मिलके चलेंगे, बजाहिर तो ये बात अच्छी है, मुल्कों के साथ मिलके चलना चाहिए, वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान की कोई मुखालफत भी नहीं है, बड़े इंतहाई आला रिलेशनिंग है, तो इनको थोड़ा सा इस पे जो है वो थोड़ा स्टेप आगे लेना चाहिए। अब मेरा डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब से एक सवाल है जिसका मैं जवाब चाहूंगा कि इस वक्त अफगानिस्तान में हामिद करजई और अब्दुल्ला इस वक्त मौजूद हैं दोनों, और उन्होंने नेगोशिएशंस में और सारे मामलात में बहुत एक किरदार अदा किया है, तो क्या ये इन दोनों साहबान का कोई रोल देख रहे हैं आइंदा हुकूमत में? और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ जो है वो अगर पाकिस्तान इनके साथ सही अंदाज में चलता है तो अफगान की मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ
किस हद तक आके आगे तामुन और एक ब्रादराना ताल्लुक जो है उसको मजबूत मजीद करेगा। ये जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की बात हो रही है, वैसे तो अब अफगानिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो तो 34 हैं, लेकिन जो एक पॉलिटिकल अगर आप तकसीम देखें अफगानिस्तान की कि जो मोस्टर पॉकेट्स हैं वो 3 बड़ी हैं, और उनका अगर तजिया किया जाए तो वो पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। वो एक पश्तून फैक्शन है जो खुद तालिबान उसको लीड कर रहे हैं इस वक्त, और वो तो ओवरऑल डोमिनेट कर रहे हैं, जाहरी बात है कि वो उनकी जो पश्तून वो है उसमें रिकग्निशन तो होनी होनी है। अब ये जो था सबसे सेंसिटिव इसमें ये शुमाली इतिहाद वाली बात है, वो भी अब उसकी वो पोजीशन नहीं रही। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल ऐड कर लीजिए कि इस मौजूदा सूरत हाल में आप इंडिया का क्या रिएक्शन देख रहे हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान और टुवर्ड्स पाकिस्तान? तो देखें, जो 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 शुमाली अफगानिस्तान की बात हुई उसका कुछ तज्जिया मैंने कर दिया, कुछ आपको जावेद नज़ीर साहब ने बता दिया, नवाज साहब ने बता दिया कि अब मौजूदा सूरत हाल क्या है। जिस तरह उन्होंने आपको ताज़ा तरीन इतना दी, वफद का तो मालूम था, मैं ये नहीं मालूम कि उसके साथ वो 2 साल पहले भी आए थे, उनके जो भाई थे वो तो बूरबन में एक इंट्रा अफगान डायलाग हुआ जिसमें 54 तंजीमें जो हैं अफगानिस्तान की, मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और पॉजिटिव किस्म का पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से शायद आपको अंदाज़ा भी होगा लेकिन बड़ी कॉन्क्रीट इत्तला देता हूँ कि पूरे अफगानिस्तान में एक ग्रॉस रूट लेवल पर मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया में, वहाँ के ट्रेडर्स में, वहाँ के उल्मा में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन जो है वो मौजूद है कि अगर हमें कोई इंटर डायलॉग के लिए को बुला सकता है कि अफगानों के अफगानों से डायलॉग हो जाए, वो आपस में नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक मुल्क है जो करा सकता है, ना वो अमरीका करा सकता है, ना वो बरतानिया करा सकता है, ना वो इंडिया करा सकता है, वो एक मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस तजर्बे से गुजर चुका है कि इनको एक जगह बिठा देता है। उसकी रीजन है कि जितने भी फैक्शन है, जितने भी वहां पर तकसीम है, उन सब में पाकिस्तान का कोई ना कोई, और पाकिस्तान हर जगह एक खास डिग्री पर रिलेशनशिप मौजूद है, चाहे वो खिलाफ हो पाकिस्तान के, लेकिन वो इतनी उसमें होस्टाइल वो एटीट्यूड नहीं है कि वो हमसे बात भी ना करें। तो इसमें जो शुमाली अफगानिस्तान की तो पोजीशन काफी ज्यादा मैंने बता दिया कि दोस्तम साहब के मंजर से गायब होने, अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बदस्तूर वहां मौजूद होने, और जो एक लेगेसी है अहमद शाह मसूद की, उनके जो भाई हैं वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन और बड़े मुतदिल मिजाज के हैं। मेरी उनसे डिनर पे मुलाकात हुई 2 साल पहले बूरबन में, तो मैं तो हैरान रह गया। मुझे एक खातून ले गई, कहने लगी अभी आप बात कर रहे थे उनकी और आए आपको मिलाऊं, तो वो वहां पर राउंड टेबल थी डिनर पे तो मुलाकात हुई, तो बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं लगा कि उनमें कोई ऐसी बात है कि भाई वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या उनका कोई इख्तलाफ ही नुक्ता नज़र जो है वो इस हद तक है। तो वो पॉकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तीसरा भी आपने सुन लिया, अभी जावेद नवाज साहब ने आपको बताया कि जो वॉर लॉर्ड थे हेरात के, हेरात भी बहुत बड़ी पॉकेट है और वो फिर ईरान के सरहद के करीब है, तो वो इस्माइल खान जो है वो भी अब तालिबान से मिले हैं, और अभी एक खबर तो ये भी आई है कि वो ईरान चले गए हैं, एक खबर ये आई है कि वो तालिबान के साथ मिल गए हैं, और अगर वो मिल गए और वो शामिल हो गए तो वो तो ज्यादातर वार लॉर्ड हैं अपने, उनकी तो गद्दी है वहां पर हेरात में, वो शेर हेरात कहलाते हैं, तो उनका तो ज्यादा पोस्चर जो है वो वार लॉर्ड वाला था, तो वार तो अब होनी नहीं, तो वो पोलिटिकल सेटलमेंट में बड़ी आसानी के साथ आ गए हैं, तकरीबन शामिल हो गए हैं, आप यूँ समझें। तो ये जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला वाला फैक्टर है, ये भी देखे ना, इनका काबुल में मौजूद रहना जो है ये बहुत कुछ जाहिर कर रहा है कि कोई लिंकेज मौजूद था, उनका इरादा था, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन चल रही थी। इसी तरह एक तस्वीर रिलीज की है कल करजई साहब ने, वो अपने नवासी नवासा या पोती पोता के साथ, बच्चे हैं छोटे छोटे,
वो दिया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये बड़ी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, ये पता नहीं उनके एडवाइजरों ने करवाई है उनसे या उन्होंने खुद किया, खुद तो मैं नहीं समझता की होंगी, तो ये बड़ी मीनिंगफुल थी ये सारी चीजें। तो ये कुछ लग रहा है कि एक हालांकि अगर कुछ पिछली हिस्ट्री देखें उसमें यह बड़ा मुहाल नजर आता था, ये नामुमकिन सा नजर आता था कि वहां अफगानिस्तान में ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बन जाए, वहां ये नामुमकिन ही सा नजर आता था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान में ये बात जो है प्यास जो है वहां बड़ी शिद्दत की है कि अब यहाँ अमन होना चाहिए वो कोई भी हो, और इसके साथ जो दूसरी रियलाइजेशन वो ये वहां ये मौजूद है, पाकिस्तान के मुखालफिन में भी मौजूद है, बहुत खिलाफ है कि पाकिस्तान ही वो कंट्री है कि वो हमें साथ बिठा ले। तो वो बूरबन में जब आओ गए थे, अब ये उसका फॉलो अप ये फिर चला, ये जो परसों डेलीगेशन आया तो 16-17 लोग थे, 58 तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे, उसमें हिकमत यार साहब की जो भी बात की है अवेद साहब ने वो बहुत बड़ा है। आपको पता है कि जो मुजाहिदीन का नाम जमाती इतिहाद था उसमें सबसे बड़ा जो पॉपुलर सपोर्ट जो एंजॉय करता था वो तो हिकमत यार साहब का ग्रुप था। तो हिकमत यार साहब तो ये सारे मामला जब से भी ये मामला शुरू हुआ है वो जहनन दस्तबरदार हो गए हैं तालिबान के हक में, अगरचे कि वो सेटअप के साथ भी उनका कोई एक लिंक मौजूद था और वो बड़ी हिकमत ही के साथ चल रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी तकवियत का बायस होगा पश्तूनों की तरफ से। तो हालात काफी बेहतर है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता थोड़ा सा कि हम अपने तौर पर आगे बढ़ें। देखें आपका जो सिचुएशनल फैक्टर है, हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है और हम पर जो प्रेशर है ईस्टर्न बॉर्डर पर, और दूसरे भी हमें देख रहे हैं, सिर्फ ये हमें खुशफहमी नहीं है कि हम बड़े वो हैं, ये हकीकतन पाकिस्तान एक नीड बन गया है, रशिया की एक पॉलिटिकल नीड बन गया है, चाइना की तो जो है बहुत वाजे है और हमारी उससे दोस्ती भी है। तो ये अब हमें इस पर एक कॉन्सेंसस समझें आप, एक डिप्लोमेटिक कॉन्सेंसस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जिसकी बात जो है ये वजीर गुफ्तगु जो हैं क्या नाम है फवाद साहब, उन्होंने भी की है कि हम आप देखिएगा कि हम सब मिलकर जो है ये फैसला करेंगे। ये फैसला करेंगे नहीं, इस पर काफी मेरा ख्याल होमवर्क हो चुका है कि ये 4-5 मुल्क जो है और इनके फिर साथ जो है ये जो 3 नेबरिंग स्टेट्स अब साथ साथ चल रही हैं, ये भी खबरें आई हैं कि साले को जो है ताजिकों ने निकाल दिया, उसको वो वापस आया वहां से, वो पंजशेर नहीं पहुंचा। वो तो शुरू में खबरें आई और उसकी कुछ तस्दीक भी हो गई थी कि जी वो ताजिकिस्तान चले गए, तो जब उन्हें जगह नहीं मिली तो वो वापस आ गए, तो मोस्ट कंफर्टेबल जगह उनके लिए वही होगी, हैं वो पश्तून, वो बाय हिज एथनिक बैकग्राउंड तो पश्तून है। जी जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जावेद साहब ने, मुजाहिद साहब ने, जिया साहब ने, नौरानी साहब ने जो एक्सप्लेन किया है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरी कुछ जमात इस्लामी के लोगों से भी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कुछ एक पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका चीख रहा है कि मैंने ट्रिलियन रुपया लगा दिया, मैंने बिलियंस रुपया लगा के उनकी फौज को डेवलप किया, तो वो ट्रिलियंस डॉलर की वहां से मंशियात ले जा चुके हैं, वो भोले बादशाह नहीं है कि यहाँ पे ट्रिलियन 3 ट्रिलियन लगा के और आराम से वहां से चले जाए, 10 ट्रिलियन डॉलर की मंशियात ले जा चुके हैं, क्योंकि अमरीका में 80% लोग जो है वो ड्रग्स लेते हैं, और उनकी नीड थी कि उन्हें ड्रग्स चाहिए, बहुत महंगी मिलती थी, उन्हें वहां पे आगे 3 ट्रिलियन लगाया, 10 ट्रिलियन की वो ले गए। उसके बाद जो उन्होंने फौज ट्रेन की थी, शायद आपको चंद दिन पहले का इलम होगा कि उन्होंने अपना फौजी कमांडर चेंज किया था, वो इसलिए कर दिया था कि वो तालिबान के साथ जाके मुलाकात कर रहा था, उसने कहा था आप आएंगे ये लाखों की जो फौज है ये आपके साथ होगी, आपके अंडर में होगी, और आप बिलीव करें कि वो फौजी दौड़े नहीं है, भगौड़े नहीं हुए, उन्होंने आराम से तालिबान के साथ मुआहिदा किया है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम आपके साथ मिलके मुल्क चलाएंगे। वो किधर गए, कोई इंडिया चले गए, वो फौजी असला लेके, सारी फौज वहीं पे है, सारा कुछ वहीं पे है, सिर्फ ये है कि थोड़े से हालात बदले और चेहरे बदले। और जो साले साहब की बात रह गई, साले साहब को दुनिया में कोई नहीं सुनेगा, वो जमीन पे खड़े हो या छत पे खड़े होके अनाउंस करे मैं सदर हूँ, दुनिया तालिबान की बात सुनेगी, वो उनके साथ मुलाकात पसंद करेगी मिलना,
वो सारे साहब को किसी तीनों में तेरह में नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। ये शफी साहब जरा अगर एक मिनट की इजाजत हो, जो मजीद साहब वाला क्वेश्चन था इंडिया का, अगर मैं उसका जवाब दे दूं एक मिनट में। शुक्रिया सर। जी जी, देखे इंडिया का तो अब इंडिया का तो अभी दूर दूर तक कोई रोल नजर नहीं आ रहा, और अगर वो इतनी बड़ी तादाद में मंशियात ले गए हैं और इस चीज की अगर तस्दीक हो जाए तो इस पर तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव फिर पाकिस्तान को डेवलप करना चाहिए कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं और जो अमेरिका है वो अपनी सोसाइटी के तहफ्फुज़ के लिए वो इंडिया पर वो अब हमारा काम है। अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और इसकी तस्दीक हो गई है तो इस पर तो हमें बहुत बड़ा एक काम करना चाहिए कि कम्युनिकेशन कैंपेन में जाना चाहिए और इंडिया को ब्लैक लिस्ट कराना चाहिए और इसकी तस्दीक होनी चाहिए, इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा है तो हमारी वैल्यू कोई नहीं है इंटरनेशनल दुनिया में, हम कहीं पे जाके बात नहीं कर सकते, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम लोग कशकोल लेके चलने ये मामला सुनवाई का नहीं, ये उनके सोसाइटी के तहफ्फुज का मामला है। वो इस पर बड़े कॉन्शियस हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो यूथ है, वो इस तजज्जुब से गुजर चुके हैं, वो एडिक्शन में ना चली जाए जो कि पहले साहब। वो इंडिया ने तो नहीं ना, वो तो अफगानिस्तान से लेके गए, इंडिया से थोड़ा लेके गए, तो वहां से वो समगल जो करेंगे, उन्होंने बताया ना कि जी 80% जो है वो अमेरिका में जो है वो अभी वहां उसकी मार्केट है। वो जो ओबामा प्रेसिडेंट होते हुए मंशियात देता था, आप कहते हैं कि हमें ये बताना चाहिए इंडिया ने, ये तौकीर साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको भी तो पेश नजर रखे ना, तो इंडिया तो का तो कोई रोल रहा नहीं है। मैं जाहिद मंसूरी साहब ने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की है, अब बहुत कुछ चीजें कुछ रहता तो नहीं है कि डिस्कस किया जाए, मगर एक चीज जो मेरे जहन में है जो कि किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, वो ये है कि 20 साल तक तालिबान कैसे लड़ते रहे, उनके पास क्या कोई फैक्ट्रियां थी असलाह की, क्या उनके पास कारखाने थे असलाह के, उन्हें असलाह कौन दे रहा था? रशिया। अब ये चीजें जो हैं, इन चीजों को जब मद्देनजर रखा जाए तो हम पोजीशन क्लियर हो जाती है कि क्या हो रहा है इंटरनेशनली। और पाकिस्तान ने जो स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा कि हम उन्हें तस्लीम करते हैं और हम दुनिया के साथ मिलकर उन्हें तस्लीम करेंगे, ये बिल्कुल पॉलिटिकली एक सही बयान है, ताकि ये तासुर दुनिया को ना मिले कि पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग तालिबान। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बयान है उनका, इसको वजारत गुप्त व शनीद कहें या वजारत इत्तला'आत कहें या कुछ भी कहें, ये बयान उन्होंने खुद नहीं दिया। इस बयान के पीछे बाकायदा हुकूमत का अमल दखल है पूरा। इस किस्म का बयान एक इंसान खुद नहीं दे सकता और इसके पीछे बड़ी सोच है। तो ये चंद चीजें जो है उनको, और दूसरा ये है कि ये जो लोग, द ओनली पर्सन विच आई एम वरीड अबाउट इज अब्दुल्ला, वो कोई डैशी किस्म की पर्सनैलिटी है, उसका समझ में नहीं आ रहा। बाकी साले और ये जो है ये तो दे आर आउट ऑफ साइट नाउ, दे हैव नथिंग टू डू, उनका कोई अमल दखल नहीं है। सिर्फ अगर अमल दखल है तो वो अब्दुल्ला का है, वो पता नहीं क्या है, इज इज ए प्लांटेड मैन और व्हाट इज। मगर जैसे कि सिचुएशन मैं स्टडी कर रहा हूँ 3-4 रोज से, उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि तालिबान जो है दे आर फुल इन कंट्रोल एंड दे नो व्हाट टू डू, और इनके पीछे कोई फोर्स है, जरूर कॉम्पिटेंट फोर्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं
किस कॉम्पिटेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ। इस किस्म की और कुछ बातें जो अभी बात की थी इन्होंने कि तकरीर साहब ने कि जी इंडिया का रोल क्या होगा, इंडिया चैनल्स को आप जब सुने तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया कितना परेशान है। उन्होंने अपना यौम आजादी नहीं मनाया बल्कि यौम आजादी के दिन बैंड डाले कि उनके साथ हुआ क्या है अफगानिस्तान में, उनकी कोई बात सुन क्यों नहीं रहा। तो चंद चीजें जो है वो हमें, उन्होंने बॉर्डर पे कुछ तस्वीरें दिखाई हैं कि जी वो जो तालिबान है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये सब चीजें जो है ये मीडिया वॉर है। Actually, what's happening on the site is different. और दुनिया तालिबान की हुकूमत को मानेगी, कनाडा भी मानेगा, इंग्लैंड भी मानेगा, अमेरिका भी मानेगा और सारी दुनिया मानेगी, क्योंकि वो एक हकीकत है और वो हकीकत 20 साल के बाद वजूद में आई है। ठीक है जी, वो पॉलिटिकल ये वक्त खत्म हुआ हमारा।